गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। मीन सेकेंडरी ऊसाइट बेसिकली ओवम होता है बट मैच्योर नहीं है, तो उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को आखिरी तक देखना तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाएगा, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऊसाइट है क्या? पहली बात तो हमको पता है कि एवरी मंथ एक फीमेल जो होती है वो एक ओवम को रिलीज करती है एक ओवरी से, बट एक्चुअली में वो ओवम नहीं रिलीज करती है, वो क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी ऊसाइट। तो सेकेंडरी ऊसाइट क्या है? बेसिकली सेकेंडरी ऊसाइट वो एग सेल है जो मियोसिस टू के मेटाफेज टू में अरेस्ट हुआ है, तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि वो रिलीज होता है। ओके सो पहली बात, आपका जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो क्या होता है? माइक्रोलेसिटल होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो योग होता है बहुत कम प्रेजेंट होता है। योग बेसिकली क्या है? योग न्यूट्रिशन सप्लाई करता है आपके एग को, तो बहुत कम प्रेजेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है सेकेंडरी ऊसाइट के बारे में वो है नॉन क्लिडोइक। नॉन क्लिडोइक का मतलब क्या है? विदाउट शेल। नॉर्मली जो भी एग होते हैं ना, देखो उसके ऊपर शेल होता है, कवरिंग होता है बाहर के एनवायरनमेंट से उसको बचाने के लिए, उसको डेसिकेशन से बचाने के लिए। डेसिकेशन का मतलब उसको सूखने से बचाने के लिए। बट जो फीमेल, ह्यूमन फीमेल का जो सेकेंडरी ओसाइट है उस पर कोई भी शेल नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नॉन क्लिडोइक कहा जाता है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका एवरेज साइज़ कितना है? ओके एक फीमेल ओवम का एवरेज साइज़ होता है 0.1 मिलीमीटर। ओके या तो हम उसको 100 माइक्रॉन भी बोलते हैं। तो इसकी साइज़ कितनी होती है? 100 माइक्रॉन होती है एक एवरेज फीमेल का जो सेकेंडरी ओसाइट का जो साइज़ होता है। ओके नाउ आपका जो ओवम है उसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। सो जो ओवम है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ओवम का जो साइटोप्लाज्म है, ये ओवम का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है ओप्लाज्म। कोई भी सेल है उसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही, इसे क्या कहा जाता है? ओप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद इसके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है जर्माइनल वेसिकल। जर्माइनल वेसिकल, एंड याद रखना ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ओके ये जर्माइनल वेसिकल है, ये बाद में प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा टिपिकल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस, बट अभी नहीं। ओके नाउ अभी आपका जो एग है उसके ऊपर काफ़ी कवरिंग्स होती हैं। जो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन होता है, इसे कहा जाता है, ये जो मेम्ब्रेन है ब्लू कलर में, इसे कहा जाता है विटलाइन मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? विटलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। नाउ ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन है, ओके इसके बाहर एक कैविटी होती है, इसके बाहर एक एक्चुअली एक और लेयर होती है, पहले वो पढ़ लेते हैं हम। इसके बाहर विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, ओके एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जो किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। इस लेयर को कहा जाता है ग्रीन वाली लेयर को जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं इसे? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है, जो क्या है? किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, प्रोटीन से। यानी क्या? नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। क्या है? नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, कोई सेल नहीं होता इसमें, बस ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है मेम्ब्रेन है ये। ओके यहाँ तक समझ आ गई। नाउ विटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को कहा जाता है, चलिए इसे लिख देता हूँ, इस स्पेस को कहा जाता है प्री विटलाइन स्पेस। क्या कहा जाता है? प्री विटलाइन स्पेस कहा जाता है। नाउ जो जोना पेल्यूसिडा है, ये जो जोना पेल्यूसिडा है इसके ऊपर कुछ सेल्स की लेयर होती है ढेर सारी, दिख रही होगी, इन सेल्स को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा सेल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? कोरोना रेडिएटा। ओके ये जो कोरोना रेडिएटा है किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स, ओके डिराइव फ्रॉम, ऐसा लिख दूं मैं, डिराइव्ड फ्रॉम इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। नाउ ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ मिलते हैं?
हमको पता है कि ओवम जो है वो किस में डेवलप होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उनके अंदर के साइड में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहा जाता है। सो जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की जो अंदर वाली लेयर होती है उससे आपकी कोरोना रेडिएटा सेल्स बने हुए हैं। नाउ जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है वो जोना पेलुसिडा से कैसे अटैच है, तो होता क्या है कि जो आपके एक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके तो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद, ओके कुछ एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कहाँ पे, जोना पेलुसिडा के ऊपर, जो कोरोना रेडिएटा सेल्स को अच्छे से अटैच करने में हेल्प करते हैं ऑन टू दी जोना पेलुसिडा। तो इन एसिड को कहा जाता है हाइलुरोनिक एसिड। तो इस हाइलुरोनिक एसिड के हेल्प से ही जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं वो जोना पेलुसिडा से कनेक्टेड होते हैं। नाउ ये जो आपका प्रीविटलाइन स्पेस होता है इसके अंदर एक सेल होता है जिसे कहा जाता है, ये जो दिख रहा है इसे कहा जाता है पोलार बॉडी। इसे क्या कहा जाता है? पोलार बॉडी। ये जो पोलार बॉडी आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ यूजलेस, याद रखना है चीज़। ओके तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? आई थिंक सब कुछ पढ़ लिया, एक्चुअली कुछ बचा है। ओके क्या बचा है इसमें? वुडलाइन मेम्ब्रेन पढ़ ली, प्लाज्म पढ़ लिया, जर्माइनल वेसिकल पढ़ लिया जो आगे जाके प्रोन्यूक्लियस बनेगा, ओके जोना पेलुसिडा पढ़ लिया जो ग्लाइकोप्रोटीन की एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, फिर कोरोना रेडिएटा भी पढ़ लिया जो किससे बनी है, डेराइव फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ओके नाउ अभी ना एक टाइप का ना अरेंजमेंट दिखता है आपके सेकेंडरी ओसाइड में, देखोगे ध्यान से तो जो जर्माइनल वेसिकल है एंड जो पोलर बॉडी है दोनों एक ही साइड में है। ओके तो जिस साइड में जर्माइनल वेसिकल होता है एंड पोलर बॉडी होता है उस साइड को हम बोलते हैं, ये वाला साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल रीजन। ओके क्या बोलते हैं हम इसको? एनिमल पोल रीजन कहते हैं। एंड जहाँ पे कुछ नहीं होता उसके ऊपर वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? ये वाले साइड को हम बोलेंगे वेजिटल पोल रीजन। क्या बोलेंगे? वेजिटल पोल रीजन। ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ऊसाइड। तो एक बार रिवाइज कर लिया हमने क्या पढ़ा। ओके सो पहला मैंने क्या बोला कि जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हमने ये बोला था, मैंने बोला था कि जो फीमेल के ओवरी से जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है? ओवम नहीं होता, वो क्या होता है? सेकेंडरी ऊसाइड होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ऊसाइड। एंड सेकेंडरी ऊसाइड का एवरेज व्हाट कैन आई से डायमीटर बोल सकते हो कितना है, वो कितना है 100 माइक्रोन है, उतना बड़ा वो होता है। ओके एंड वो क्या है? माइक्रोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल का मतलब उसमें योक कम होता है। ओके योक वो चीज़ है जो एग को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है बट कम होती है, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एंड ये क्या है? नॉन क्लिडोइक है, मीन्स विदाउट शेल। नॉर्मली एग को क्या होता है? शेल होता है उसको डेसिकेशन से बचाने के लिए, मीन्स उसको सूखने से, डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए। बट फीमेल का जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें शेल नहीं है। ओके ये पढ़ा, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर पे आए कि जो फीमेल का जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? ओप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बड़ा सा जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्माइनल वेसिकल, जो है हैप्लॉइड। ओके यहाँ पढ़ा था हमने। उसके बाद न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग है जिसे क्या कहा जाता है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस विच इज़ कॉल्ड एज प्री विटिलाइन स्पेस। क्या है? प्री विटिलाइन स्पेस है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। एंड जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ सेल्स की लेयर है जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ना ये जो कोरोना रेडिएटा है वो किससे बने? ग्रैनुलोसा सेल से बने हुए हैं। एंड नाउ ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है ये किसे मतलब किस तरीके से अटैच हुए हैं आपके जोना पेलुसिडा से? तो कुछ एसिड से अटैच, इससे हम क्या बोलते हैं? हाइलुरोनिक एसिड, जो मैंने ब्लैक से बनाया है यहाँ पे दिख रहा होगा, उससे अटैच होते हैं आपके जोना पेलुसिडा से। एंड आपका जो प्री विटिलाइन स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? पोलर बॉडी, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ यूजलेस। ओके तो प्री विटिलाइन मेम्ब्रेन का पता है तुमको फंक्शन क्या है? ओके तो मैंने बोला सेकेंडरी ऊसाइट ये ओवम नहीं है एंड ये जो जर्माइनल वेसिकल है ये अभी तक प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जैसे ही स्पर्म इस विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है ना ये सेकेंडरी ऊसाइट कन्वर्ट हो जाती है किसमें?
ये कन्वर्ट हो जाती है ओवम के अंदर, मैच्योर ओवम के अंदर, एंड इसका जो जर्माइनल वेसिकल है ना, मतलब न्यूक्लियस, वो प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। इस तरीके से होता है, सोचो कितना कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए। एंड उसके बाद मैंने क्या बोला कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखता है सेकेंडरी ओसाइट में, जिस साइड में आपका जर्माइनल वेसिकल मतलब न्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल रीजन, एंड उसके अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल रीजन। तो पापो सब कुछ समझा होगा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। मजा तो आया होगा, आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अभी भी कुछ नहीं है तो कमेंट करके बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछो क्या है क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लगा वीडियो। आई ऑलवेज वेट फॉर द कमेंट, बट कोई करता नहीं है, आई एम लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड, तो करना ज़रूर, एंड वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। थैंक यू।